प्यारे प्यारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। लंबे घने और खूबसूरत बाल किसको पसंद नहीं। वो कहते हैं ना कि इन्वेस्ट इन योर हेयर, इट इज़ द क्राउन यू नेवर टेक ऑफ। और आज की वीडियो में इस क्राउन को आपके सर पे सजाने के लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडीज़, जिसमें आप बालों के तमाम मसाइल, डैंड्रफ हो, स्प्लिट एंड्स हो, हेयर फॉल हो, या बालों के अंदर आपके गंजपन शुरू हो गया हो, तमाम किस्म के मसाइल की एक ही रेमेडी है। आपको पता है बालों के मसाइल आपको लिटरली डिप्रेशन में ले जाते हैं, और डिप्रेशन बैड हेल्थ का स्टार्ट होता है। और इसकी वजह हमारी सम टाइम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉश करने की हैबिट्स, या हम स्टाइलिंग टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, डाई यूज़ करते हैं, तो इन मुख्तलिफ हमारे प्रोसीजर्स की वजह से हमारे बालों की हेल्थ ख़राब हो जाती है। आज की रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आपने मुकम्मल स्टेप बाई स्टेप देखनी है, क्योंकि उसमें से स्टेप मिस हो जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि रिज़ल्ट तो वैसा नहीं आया। जब आप मिस करेंगे तो फिर मसला तो बनेगा ना। आज की रेमेडी में ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट हैं कि वो आपके बालों की तमाम डैंड्रफ को ख़त्म कर देंगे, स्प्लिट एंड्स को ख़त्म कर देंगे, और तमाम बालों में वो जान और वो शान आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगी। और मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि अगर आप इस वीकली बेसिस पे इस रेमेडी को यूज़ करेंगी तो आप इससे हासिल होने वाले रिज़ल्ट से इस कदर मुतासर होंगी कि आप जो मार्केट में जाके पार्लर्स में हम इतनी एक्सपेंसिव हेयर ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, स्पा करवाते हैं, वो आप सब भूल जाएंगी। यहाँ मैं आपको अपनी बेटी के बाल दिखा रही हूँ। इनमें कभी कभी डैंड्रफ का इशू आता है, लेकिन मुसलसल ये रेमेडी यूज़ करने की वजह से उसके बाद बहुत हेल्दी, बहुत थिक हैं, और स्प्लिट एंड्स का तो नामो निशान भी नहीं है। जी हाँ, फर्स्ट इंग्रेडिएंट है एग। एग आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, हेयर लॉस को स्टॉप करता है, बालों में इलास्टिसिटी लाता है, शाइन लाता है, बालों के टेक्सचर को प्रमोट करता है, और तमाम किस्म के डैमेज को रिपेयर करता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। आप चाहे फ्रेश यूज़ कर लें या मार्केट की यूज़ कर लें, आपको मालूम है ये इस कदर बेनिफिशियल है आपके बालों के लिए, तमाम किस्म के जो डैमेज है उसको रिपेयर करती है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगी, बालों में जो आपके ऑयल आ जाता है उसको कंट्रोल करती है, डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं आपकी स्कैल्प के उसको भी हील करेगी। आज का थर्ड इंग्रेडिएंट सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। आप इसको गेस करें और अभी नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसका रिवील मैं वीडियो के एंड में करूंगी, और आपने बाद में देख के बताना है कि आपका आंसर ठीक था या गलत। आज की रेमेडी का लास्ट सुपर डुपर इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो यहाँ पर आप एक चम्मच कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं। आपको मालूम है कोकोनट ऑयल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रेमेडी है ड्राई बालों के लिए, तमाम किस्म की ड्राइनेस को दूर करता है, और बालों में जो गंजपन आ जाती है या ग्रे हेयर्स जल्दी आ जाते हैं उसको भी स्टॉप करता है। अब करना आपने ये है कि चारों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। याद रखें, यहाँ पे तीसरा इंग्रेडिएंट मैंने अभी बताया नहीं है, वो मैं वीडियो के एंड में रिवील करूँगी। आप अपने गेस के मुताबिक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जब भी मैं जो भी होम रेमेडीज़ बताती हूँ, प्लीज़ उनकी डिटेल को अच्छे से देखा करें, मैं ताकि उनकी जो है मज़ीद बेनिफिट्स भी आपको बताती हूँ, अगर उनके कोई मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी आपको साथ साथ बताते जाती हूँ। प्रॉपर तरीके से जब आप रेमेडी को यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है आपको। आपने इस मास्क को सेक्शनिंग करके अप्लाई करना है बालों की रूट से लेकर टिप्स तक। जो हम केमिकल्स लेते हैं, ये केमिकल वाले मास्क बाज़ार से ख़रीदते हैं, तो आपको मालूम है वो हम स्कैल्प के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन होम रेमेडीज़ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि आप इनको स्कैल्प से लेके बालों की टिप तक अप्लाई करेंगे, और तमाम किस्म की स्कैल्प से लेकर आपकी टिप तक की तमाम किस्म की जो हेयर के इश्यूज़ हैं उनको जो है वो ये ट्रीट करेगा और उनको रिपेयर करेगा। आपने इस तरह से पीछे से जो रूट्स पे पहले लगाने के बाद जो नीचे के टिप्स हैं, हेयर लेंथ है, उसके ऊपर भी अच्छे से छोटे छोटे सेक्शंस बनाकर अप्लाई करते जाना है। चाहें तो अपने साथ किसी फैमिली या किसी फ्रेंड की आप हेल्प ले लें। फिर अच्छे से सारा मास्क अप्लाई करने के बाद आप जो हैं इसको कैचर लगा लें और शावर कैप पहन लें। आप चाहें तो अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो क्वांटिटीज़ एग की और ऑयल वगैरह की आप बढ़ा या कम कर सकती हैं। एक घंटा इंतज़ार के बाद आप रेगुलर तरीके से इनको वॉश कर लें, किसी भी किस्म की स्मेल बालों में नहीं आएगी।
वॉश के बाद आप देखेंगे कि तमाम किस्म की डैंड्रफ और ड्राइनेस जो है वो बालों पे से ख़त्म हो चुकी भी है। आपके बाल रूट से लेकर टिप्स तक हेल्दी हो गए हुए हैं। अगर आपके बालों में ऑलरेडी स्प्लिट एंड्स हैं तो वो रेगुलर यूज़ की वजह से ख़त्म हो जाएंगे और आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे, आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी। और आप ये रेमेडी जब भी यूज़ करें तो प्लीज़ इन कमेंट बॉक्स में आके इनका फीडबैक ज़रूर दिया करें। बच्चे और बड़े दोनों इस रेमेडीज से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप देखें माशाल्लाह से मेरी बेटी की हेयर ग्रोथ। टाइम टू रिवील थर्ड इंग्रेडिएंट जो मैंने आपसे बाद में शेयर करने को कहा था वो है ग्लिसरीन। जी हाँ, स्किन के साथ साथ आप बालों के भी बहुत से बेनिफिट्स उठा सकते हैं। ये बेस्ट नेचुरल हेयर कंडीशनर है, आपकी स्कैल्प की ड्राइनेस को दूर करेगा, इन्फेक्शंस को ख़त्म करेगा, बालों में बेहतरीन चमक आएगी। आपने ये रेमेडी यूज़ करके नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देना है।